मैं प्रोफेसर रामस्वरूप सिंह चौहान पंतनगर विश्वविद्यालय में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हेड करता हूं। इससे पहले IVRI में जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के पद पर रहा, फिर एक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसका डायरेक्टर रहा। पिछले करीब 10 वर्ष से इधर पंतनगर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। WHO का सलाहकार रहा करीब 7 साल, और एक इन्वायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया करके एक पुस्तक भी उनके लिए बनाई कि जो कीटनाशक और ये दवाएं जो होती हैं केमिकल एग्रोकेमिकल्स उनको कहते हैं, ये फसल में और फूड चेन में आती है और इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं व्यक्ति के ऊपर, उसके बारे में वो बनाया था। यहाँ से फिर जर्नी शुरुआत हुई मेरी जो रिसर्च की, ये वाले काम कर रहे थे करीब 40 से अधिक वर्ष का समय हो गया। 1979 से रिसर्च का कार्य प्रारंभ किया था, और गौ विज्ञान अपने आप में बड़ा वृहद विज्ञान है, और हमारे शास्त्रों में पंचगव्य करके उल्लिखित है। पंचगव्य में वही 5 चीज़ें, गाय का घी, दूध, दही और गोबर और गोमूत्र। गोमूत्र को लेकर के मैंने अनुसंधान प्रारंभ किए थे और उनके बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिले कि ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी कैंसरस है, बायो एनहांसर है। ऐसे करके करीब 38 एक्सपेरिमेंट अभी तक मेरे पूरे हो चुके हैं अलग अलग, उसमें ढेर सारे बच्चे MBSC PhD ऐसे करके डिग्री पाई है उन्होंने। जब पंचगव्य पे काम कर रहे थे तो उसी दौरान मैं WHO में जाता था विदेशों में मीटिंग के लिए, तो पंचगव्य शब्द ऐसे करके समझ नहीं आता था जल्दी से, तो हमने इस विधा का नाम दिया काउपैथी, और ये सन 2000-2001 में दिया था। फिर उसके बाद पब्लिकेशंस में भी मेरे ख्याल से 2004 से हमारे जितने भी पेपर्स हैं सभी पेपर में काउपैथी करके आना शुरू हुआ नाम। अभी हमने पिछले वर्ष एक मीटिंग की थी जिसमें देश के करीब 20-25 वरिष्ठ वैज्ञानिक जुड़े हमारे साथ, और हमने और इसको विस्तृत किया इसकी डेफिनेशन को कि काउपैथी सिर्फ पंचगव्य नहीं और भी बहुत कुछ है। क्या गाय से प्राप्त जो चीजें हमें होती हैं जैसे काउ कडलिंग, लव फॉर काउ, लिव विद काउ, या काउ बैक रब, फेस रब, गौ ग्रास, इस प्रकार की जो चीजें हैं इनके भी बड़े आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। जिनको नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी लगती है, जीवन दुभर लगता है, ऐसे लोग भी जब गाय के पास आते हैं, गाय के सानिध्य में रहते हैं, तो बड़े आश्चर्यजनक परिणाम उनको मिलते हैं देखने में। उनका जो डिप्रेशन का है ये दूर होता है, स्ट्रेस दूर होती है, और इससे जो फील गुड फैक्टर है, जो अच्छा लगने के लिए जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, वो गाय के सानिध्य में रह के वो हार्मोन्स भी निकलते हैं, व्यक्ति बहुत अच्छा फील करता है। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, IVRI में जब मैं था तो मेरे निदेशक यहाँ नागपुर में किसी काम से आए थे, उनको मैंने आग्रह किया कि यहाँ जो हमने सेटअप बनाया है इसको देख के आए। यहाँ सुनील जी के साथ आए, 2 घंटे यहाँ रहे, उससे पहले वो बड़े परेशान थे, स्ट्रेस में थे, सरदर्द था। उन्होंने मुझे 2 घंटे यहाँ विजिट करने के बाद फोन किया कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, गाय के पास रहा तो मेरा तो सब दर्द और सिर का दर्द सब दूर हो गया। और ये रिकॉर्डेड बात है, वेल रिकॉर्डेड, वेल एजुकेटेड आदमी, डायरेक्टर एक संस्थान का, उनके द्वारा कही गई, और अभी जो मैंने एक पुस्तक निकाली काउपैथी एंड ह्यूमन हेल्थ, उसमें इसका उल्लेख भी किया गया है। धन्यवाद।